बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम फोर्थ काउंट डाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो हमें पता है कि वो क्या आता है, 12 है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इन नंबर्स को देखने से आपको पता लग जाएगा कि 14 हमारे पास वो नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि 14 हमारे पास 7 2s आता है, नॉट 7 7s। इफ अ स्क्वायर बोर्ड कंटेन 49 स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर बोर्ड है जो क्लासेस में नॉर्मली लगे होते हैं बोर्ड, ठीक है, उसमें बोर्ड में कितने स्क्वायर्स हैं, 49 स्क्वायर है। सो हाउ मैनी स्क्वायर आर कंटेन इन आर रो, तो एक रो में कितने स्क्वायर होंगे। जाहिर सी बात है, इससे 49 का स्क्वायर रूट लेंगे, सो 49 का स्क्वायर लूंगे तो क्या 49 7 7 जर आता है, 7 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 7, यानी ईच रो में कितने स्क्वायर हैं 7। वट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट, यानी यूनिट डिजिट, यानी स्क्वायर रूट का अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल नंबर है जिसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया है और उसकी यूनिट प्लेस पर क्या है 4 है, तो कहते हैं तो वो कौन सा नंबर होगा, यानी कौन से वो नंबर हैं जिनका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एंड प्लेस पर हमारे पास 4 4 से मुराद अभी ये 4 हो गया, फिर 64 हो गया, तो ये कौन कौन से नंबर हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को पता लग रहा है ना कि कौन से नंबर होंगे। ये हमारे पास आता है 2 से, एंड ये हमारे पास आता है 8 से, सो इट्स मीन 2 एंड 8 ही हमारा ऑप्शन क्या है, हमने इसी को ही टिक लगाना है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1024, सो 1024 का स्क्वायर रूट हम एक्सरसाइज के दौरान ले ही चुके थे, तो चले मैं आपको दोबारा वो शो करवा देती हूँ। यहाँ पर देखें, हम लोगों ने जब स्क्वायर रूट लिया था तो यहाँ पर देखें, हम लोगों ने यहाँ पर 1024 का स्क्वायर रूट जब लिया था, पेयर फैक्टर्स फाइंड किए थे, फिर स्क्वायर वो कटिंग हुई थी, तो हमारे पास क्या आया था 32। इट्स मीन कि हमारा आंसर क्या होगा, 32 ही होगा, सो हम 32 को क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 इज़, अच्छा हमारे पास नंबर गिवन है 2.25 हमारे पास नंबर है, कहते हैं इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो चलिए अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। हम यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर वो नंबर राइट किया, फिर मैंने क्या किया उसका डिसिमल रिमूव किया, डिसिमल रिमूव किया तो 100 राइट किया। अब हमारे पास नंबर बन चुका है 225/100। हमने 225 के फैक्टर्स फाइंड किए, फैक्टर्स फाइंड किए तो 5522, यानी 5 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर हमारे पास यूँ आ चुके हैं। अभी देखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो गया तो क्या बच चुका, 5 3 15/10। सो हमने डिसिमल में, हमें आंसर क्यों, हमारा क्वेश्चन डिसिमल में था तो इट्स मीन आंसर भी डिसिमल में आ जाए। तो डिसिमल क्या हो जाएगा, 10 को हम डिनोमिनेटर से इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5। सो इट्स मीन कि हमारा आंसर क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, 1.5, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हमारे पास है, द स्क्वायर रूट ऑफ 1.7 × 34 × 0.8 इज, अच्छा हमारे पास एक नंबर गिवन है, कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये भी हमारे पास नहायत आसान तरीके है। चले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, रजिस्टर से मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पर देखें, मेरे पास नंबर गिवन है, अभी पहले हम क्या कर लेते हैं, डिसिमल रिमूव कर लेते हैं। जब डिसिमल रिमूव करेंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा 17 × 34 × 8। यहाँ पर वन डिजिट था, वन डिसिमल प्लेस थी, तो इसको भी 10 के साथ एंड इसको भी हम 10 के साथ क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर में राइट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 17 और 34 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, रफर शो करते हैं अपना, 17 × 34। अभी यहाँ पर देखें, 4 7s क्या आ जाता है 28, सो 8 को राइट कर देंगे, 2 को कैरी कर लेंगे, 4 1s 4 + 2 क्या आ गया 60 64 हो चुके। अभी हमारे पास नेक्स्ट नंबर 10 प्लेस पर है, सो 3 7s हमारे पास आ जाएगा 21, 1 को राइट करेंगे एंड 2 को कैरी कर लेंगे, 3 1s 3 + 2 क्या आ गया 5। अभी इनको सम कर लेते हैं तो आ जाएगा 8 7 and 5, यानी 578 आ गया। अब हमने इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो चले हम इसको अब 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8s हमारे पास आ जाएगा 64, 4 को राइट करेंगे एंड 6 को कैरी कर लेंगे, 5 8 7s आ जाएगा 56 प्लस 6 कर लेंगे उसमें तो हमारे पास आ जाएगा
सो हमारे पास आ जाएगा 62. सो हम 6 को यहाँ पर मैं कैरी कर लेती हूँ, 62 को मैं राइट कर दूँगी. नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 8 40 40 प्लस 6 सो आ जाएगा 46. हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, हमारे पास आंसर आ चुका है 4624. सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 4624 एंड 10 10s आर क्या आ चुके हैं 100. अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, फैक्टर्स चाहिए होते हैं. चलो हम इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पर ही मैं यहीं पर इसके फैक्टर्स को फाइंड कर लेती हूँ. यहाँ पर देखिए हम इनके फैक्टर्स को लेंगे 4624. इवन नंबर है तो 2 के साथ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 1 एंड 2. ठीक हो चुका है. फिर 2 के साथ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 5 एंड 6. फिर 2 के साथ जाएगा तो आ जाएगा 5 7 एंड 8. फिर 2 के साथ जाएगा तो आ जाएगा 2 8 एंड 9. अभी आ चुका है हमारा मज़ेदार नंबर जो कि क्या है, ऑड है. इसका अगर हम सम कर लेते हैं तो आ जाता है हमारे पास इसका सम 9 प्लस 8 9 प्लस 8 प्लस 2 कर लेते तो हमारे पास आ जाता है 18. सो 3 के साथ तो नहीं जा सकते. सो हम ऐसा नंबर लेंगे ना जिसके वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए. सो हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर ही यहाँ पर देखें 3 3 के साथ अगर हम 30 फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास पेंसिल यूज़ कर लेते हैं, 3 राइट कर लेते हैं, यानी वंस प्लेस पर 3 किस लिए राइट कर रहे हैं, 3 इसलिए राइट कर रहे हैं क्योंकि 3 3 वंस प्लेस पर वो नंबर राइट करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वंस प्लेस पर 9. सो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 13 13 3 3 आ जाएगा 9 3 1 3. फिर हमारे पास क्या है, 3 1 3 एंड 1 1 1 961 हमारा आ चुका है. लेकिन 961 तो नहीं, हमें तो 289 चाहिए. अब हम क्या कर लेंगे, अब हम वो नंबर राइट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो वंस प्लेस पर 9 आना चाहिए. तो अगर आप लोगों को याद हो तो 7 7 भी तो 49 आता है ना. सो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 7 एंड 7 को राइट कर लेते हैं. जब 7 एंड 7 को राइट कर देंगे ना तो अब क्या हो जाएगा, अब हम इसके सामने 1 को पहले राइट कर लेते हैं क्योंकि 7 7 49 आता है जो कि इसके मुकाबले में बहुत ही छोटा है. सो हम यहाँ पर 1 राइट कर लेते हैं दोनों के टेंस प्लेस पर. 7 7 क्या आ गया, 49. 9 को राइट करेंगे एंड 4 को कैरी कर लेंगे. 7 1 7 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11. सो हम यहाँ पर 11 राइट करेंगे. नेक्स्ट हमारा वंस प्लेस पर 0 एंड 10 से स्टार्ट करेंगे. 7 1 7 एंड 1 सम कर लेंगे 9 8 एंड 2. एग्जैक्ट वो नंबर आ चुका है जो हमें चाहिए. सो आप लोगों ने भी ऑड नंबर को इसी तरीके से फाइंड करना है. यहाँ पर देखें अब हम क्या राइट करेंगे, 17 17 एंड 17 1. अभी ये हमारे पास क्या है, फैक्टर्स आ चुके हैं. सो हम यहाँ पर अब इनका स्क्वायर ले लेते हैं. ये भी देखें स्क्वायर, ये भी पेयर एंड ये भी पेयर. सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 17. इन सब के ऊपर हम ये स्क्वायर शो कर लेना है एंड 10 के ऊपर भी स्क्वायर क्योंकि 100 क्या है, 10 का स्क्वायर. इसी तरह स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17 बाय 10. अभी देखें 2 2 0, चलो ये वाला स्टेप हम लोग नीचे कर लेते हैं यहीं पर ही ताकि हमें समझ आ सके. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 आ चुका है. अभी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 0 4 2 2 0 4 एंड 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 28. 8 को राइट कर देंगे, 2 कैरी हो जाएगा. फिर 4 1 0 4 प्लस तो क्या आ चुका है, 68. यहाँ पर देखिए 68 बाय 10 है. सो 10 हम लोगों ने रिमूव कर लेना, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.8. इट्स मीन 6.8 क्या है, हमारा आंसर है. तो चलिए अपनी बुक से स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, बी है. नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं द स्क्वायर ऑफ 17. तो 17 का स्क्वायर तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था ना, क्या आया था, 298. तो हम इसको टिक कर लेंगे. इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है. अल्लाह हाफिज़.